आपके प्रेज में पावर है। आपको पता है जब आप आराधना करते हैं आत्मिक वातावरण में कुछ हलचल होती है। आप लोग हैं यहां पर, आपको लगता होगा ना कि आपने 1.5 घंटा गाना गाया, क्या हुआ? कितने लोग सुन रहे हैं? आप में से कई लोग बोल रहे होंगे 1.5 घंटा गाया गाना क्या हुआ। आपको पता है स्पिरिचुअल रेल्म में आत्मिक वातावरण में कुछ हो गया, और वो क्या हुआ पता है? सब लोग ध्यान से देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा ये पास्टर 1.5 घंटे क्यों आराधना करते, वो बीच बीच में 2-3 लाइन आती तो फिर गा देते, इनको गाने का शौक है या बता रहे कि मैं गाता हूं अच्छे से? नहीं नहीं, मसला ये नहीं है, मैं घर में भी ऐसे ही हूं, मैं अपने परिवार में भी ऐसे ही हूं। अब ध्यान से सुनना मैं आपको क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आराधना करते हैं ये आराधना से आत्मिक वातावरण में स्पिरिचुअल रेल्म में कुछ होता है। अब वो क्या होता है बताए, सुनना ध्यान से। बाइबल कहती है यहोशापात जिसके पास कम लोग थे और इसको मारने के लिए, इस पर चढ़ाई करने के लिए कई मोआबी, कई अम्मोनी और कई मुनि लोग आ रहे थे इस पर अटैक करने के लिए। और अब इमेजिन करिए 3 साम्राज्य के लोग एक छोटे से ग्रुप को मारने के लिए आ रहे, और प्रभु क्या कहता है बताइए यहोशापात से, ये छोटे ग्रुप वाले व्यक्ति से, तू जा और जाकर उनके पास खड़े रहना, तेरे बिहाफ में मैं लड़ूंगा। बोले ठीक है प्रभु, आपने बोला है मैं जाऊंगा। ये अपने छोटे से ग्रुप को लेकर निकला, और बाइबल क्या कहती है बताएं, जब वे लोग वहां से आ रहे थे और ये व्यक्ति यहां से जा रहा था, बीच में से एक वर्शिप टीम निकली, ऐसे नहीं, बीच में से पास्टर जेनिफर खड़ी हुई, बीच में से यश खड़ा हुआ और बोलता है पास्टर एक परमिशन चाहिए थी, क्या थोड़ा सा वर्शिप लीड कर ले, क्या सेटअप लगा ले थोड़ा सा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है बाइबल क्या बोलती है, जैसे ही ये वर्शिप टीम ने, ये आराधना के दल ने आराधना करना प्रारंभ किया, सेम मोमेंट सेम टाइम सेम समय पर, बाइबल क्या कहती है बताए, जैसे ही इन्होंने आराधना करना प्रारंभ किया, परमेश्वर ने उन लोगों को जो इतने बड़े साम्राज्य के लोग आ रहे थे उनके लिए घातकों को बिठाया और सबको खत्म कर दिया। पता है वो मूवमेंट क्या था? जब इन्होंने आराधना करना प्रारंभ किया। आपको नहीं पता है जब आप आराधना करते हैं आत्मिक वातावरण में परमेश्वर शैतान की योजनाओं को आपके जीवन पर से खत्म करते रहता है। हालेलुया। समस्या की क्या बात है बताए, जैसे यहोशापात को दिख नहीं रहा था ना कि वो 3 साम्राज्य के लोग आ रहे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसे दिख नहीं रहा था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि जैसी वर्शिप चालू करी वैसे उधर काम हो गया। नाउ लिसन केयरफुली, अब बहुत ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। आप यहां पर आराधना कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आत्मिक वातावरण में आपके लिए खुदा क्या कर रहा है। आप जैसे ही कहते ना बताए ओ जीवन मिलिया मिलिया शिष्य है, पता है आत्मिक वातावरण में सब सेटल हो रहा है, जीवन मिल गया, आशीष रुक गई, आंसू को सोख देते हैं। आप क्या कर रहे हो पता है? आप आराधना कर परमेश्वर को बोल रहे हैं दिस इज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, ये मैं अपनी जिंदगी में देखूंगा। इसलिए आराधना में सामर्थ्य है। यहोशापात ने उस सामर्थ्य को देखा। पता है आराधना सिर्फ गाना गाना नहीं है, गाना तो सोनू निगम भी गाता है और बहुत अच्छा गाता है, मगर सोनू निगम के गाना गाने से परमेश्वर का प्रेजेंस नहीं आएगा। मगर जब पता है जिसको गाना गाते नहीं आता, जिसके स्वर वो जेड कॉर्ड लगाता है, 10वां कॉर्ड लगाता है, उसको गाना गाते नहीं आता है, मगर जब वो गला फाड़ फाड़ कर भी कहता है पता है जीवन मिलिया मिलिया आशीष आई आई हालेलुया, पता है आत्मिक वातावरण में उसके जीवन में वो क्रिएट होने लगता है। और ये आप अपनी आराधना में करते हैं। आप लोग हैं मेरे साथ? तो दाऊद राजा एक राजा होने के बाद 7 बार आराधना कर रहा है। दाऊद राजा एक राजा होने के बाद कह रहा है मैं नित्य यहोवा को धन्यवाद देते रहूंगा। अगर वो राजा होने के बाद ये लाइफ स्टाइल अपना सकता है, आपकी और मेरी लाइफ स्टाइल कैसी है बताएं? या मुझे ऐसे कहने दीजिए,
उन्हीं लोगों के डेढ़ घंटे में पैर दुखते हैं जिन्होंने घर पर आधा घंटा एक घंटा आराधना नहीं करी। आपको नहीं लगता कि चर्च में जो लोग घर पर आराधना नहीं करते हैं उन्हें आधे घंटे खड़े रहने में मसला होता है, समस्या होती है, क्योंकि वो घर पर आराधना करते नहीं है। मगर जिनकी प्रैक्टिस घर पर है बताए उनको ऐसा लगता है आज जल्दी खत्म कर दिया, आज जल्दी खत्म कर दिया, आज आराधना से पेट नहीं भरा, आज वचन से पेट नहीं भरा। क्या पता है, क्योंकि उन्होंने पूरे वीक में अपने आप को ट्रेन किया है। हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ? आपको पता है जब आपकी ये आराधना रोज की प्रैक्टिस है ना, पता है पास्टर आराधना बंद कर देगा मगर आप तभी भी खड़े जीवन मिलिया मिलिया शिष्य पास्टर पास्टर मैं प्रभु में प्रार्थना करता हूँ पास्टर और एक बार गाए और एक बार गाए। सेम टाइम पर ये वीकली वाले जो है ना धन्यवाद यीशु इसे बंद कर दिया। हालेलुया। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। आपकी यदि आराधना की जीवन शैली पता है आप बार बार प्रभु को धन्यवाद देंगे। आप लोग हैं यहां पर? कितने लोग समझ रहे हैं? दाऊद का जीवन आराधना का जीवन था। बाइबल कहती है कि यहोशू ने इससे पहले कि यरीहो की दीवार गिरे प्रभु ने उससे कहा कि सात दिन तक एक एक राउंड, छह दिन तक एक एक राउंड, सातवें दिन सात राउंड मारना और उसके बाद क्या करना, जय जयकार। मगर पता है ये आराधना ने उस इतनी बड़ी दीवार को ऐसे गिरा दिया। आपको नहीं पता है जब आप आराधना करते हो ना, आपने भी जो एक घंटे आराधना करी है, डेढ़ घंटे आराधना करी है, आपको नहीं पता है उसके परिणाम वहां पर आत्मिक रेल्व में, स्पिरिचुअल रेल्व में, आत्मिक वातावरण में क्या हो गए। आप लोग हैं मेरे साथ? आपको पता है जब आप आराधना करते हैं एग्जैक्टली क्या होता है? हम लोग बाइबल में से सीखेंगे एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25-26। एक्ट्स प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 25 और 26। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और ये लोग एग्जैक्टली जेल में हैं। हाँ। और कैदी उनकी सुन रहे थे इतने में एक बड़ा भूकंप आया यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। आगे पढ़िए। और सबके बंधन खुल पड़े। आगे दरोगा जाग उठा। हाँ? और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। हाँ? अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हाँ हाँ? परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सो बताइए जब उन्होंने ये कठिन समय में आराधना करी तो क्या हुआ? और मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं कि जब आप कठिन समय में आराधना करेंगे तो एग्जैक्टली क्या होता है। पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या हुई ये पता है, जब ये रात में उठकर आराधना करने लगे वहां के सारे कैदी सुन रहे थे। सुनना ध्यान से। आप लोगों को लगता है कि मसीह लोगों की टेस्टिमनी क्या होती है बताएं? रवि ने कार खरीद ली, प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि अब कार खरीदने के बाद रवि खुश रहने लगा है। आशीष भाई ने कार खरीद ली, घर बना लिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पड़ोसी देखकर बोल रहा है क्या घर बनाया है, रवि का क्या कार खरीदी है, और बाकी लोगों की टेस्टिमनी। मगर सुनना, अगर आपके पास कुछ है और आप खुश हैं, इसमें से तो कोई भी आपकी तारीफ करेगा। मगर पता है वो बाकी के कैदी क्यों सुन रहे थे? इमेजिन करो रात में अगर 4 बजे आपके आपके कानों में कोई ऐसा बोल रहा है वाह हालेलुया हुल्लड़ होवेगा और अपनी बेड़ियों को बजा रहा है वाह हालेलुया जमघट हो, आप सबसे पहले क्या बोलेंगे बताएं? भाई 3 बज रहा है 4 बज रहा है तू सोता है या पुलिस बुलाओ, तू सोता है या तेको बताओ हालेलुया। मगर बाइबल क्या कहती है बताएं,
कैदी लोग सुन रहे थे, उनके सुनने का अट्रैक्शन ये नहीं था कि ये अच्छा क्यों गा रहे हैं, कितना सुरीला गा रहे हैं। उनके सुनने का अट्रैक्शन क्या था पता है? इतनी मार पड़ने के बाद भी क्यों कह रहे हैं यीशु अच्छा है, यीशु भला है। ये जेल में है तो भी क्यों कह रहे हैं कि मेरा प्रभु बहुत महान है। ये प्रॉब्लम में है तभी भी रात में गाना गाकर, इतनी नींद में से उठकर, इतना मार खाने के बाद क्यों कह रहे हैं कि मेरा प्रभु बहुत अच्छा है। पता है, उनके अट्रैक्शन का केंद्र उनकी आवाज नहीं थी, उनके अट्रैक्शन का केंद्र वो कैदियों को क्यों सुनने पर मजबूर कर रहा था पता है? इतनी प्रॉब्लम है मगर ये प्रभु को धन्यवाद क्यों दे रहे हैं। और मसीह जीवन वही तो है जहां पर लोग आपके जीवन में, उन्हें पता है इस व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम है मगर इसके जीवन में हमने कभी भी उदासी नहीं देखी। आप कौन से इन्फ्लुएंसर है बताएं? वो नहीं जो कार खरीदने के बाद खुश दिखे, वो जहां पर कार नहीं है, घर नहीं है, बंगला नहीं है मगर चेहरे से खुशी, हंसी और स्माइल जा नहीं रही है।